हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे मिसाइल के बारे में और यह समझने का प्रयास करेंगे कि मिसाइल कैसे काम करता है और मिसाइल के कितने टाइप्स होते हैं और कौन सी मिसाइल कितनी पावरफुल होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिसाइल क्या है? मिसाइल एक बिना पायलट, मतलब मिसाइल में पायलट नहीं होता है, अनमैंड होते हैं, मतलब कोई भी पायलट नहीं होता है, और यह एक टारगेट बेस्ड वेपन होता है। जैसा कि आप पिक्चर्स में देख सकते हैं कि ये मिसाइल के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं और ये क्या करते हैं कि इसमें कोई भी पायलट नहीं होगा और यह क्या कर सकता है, किसी भी बम या एक्सप्लोसिव को अपने साथ कैरी कर सकता है और एक जगह से दूसरे जगह ले जा करके टारगेट को हिट कर सकता है। ठीक है, और ये भी समझने का यह प्रयास कर रहे हैं हम लोग कि जिस कंट्री के पास, मतलब जिस कंट्री के पास जितना ज़्यादा मिसाइल या जितनी ज़्यादा दूर तक मार करने की कैपेसिटी वाली मिसाइल है, वो उस कंट्री को उतना ही ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। और जितने भी मॉडर्न मिसाइल हैं उनकी रेंज और एक्यूरेसी के हिसाब से भी उसकी कैटेगरी की जाती है, उसको उस श्रेणी में रखा जाता है। मिसाइल जो होता है वो क्या करता है, छोटे एक्सप्लोसिव को भी कैरी कर सकता है और साथ ही साथ यह क्या कर सकता है, बड़े बड़े न्यूक्लियर वेपन को भी अपने साथ कैरी करके टारगेट को हिट करने में सक्षम रहता है। तो और यह तो मिसाइल क्या होगा कि मिसाइल की हेल्प से, मिसाइल को कहाँ से, लैंड पर से यानी ज़मीन पर से, पानी यानी पानी वाटर या फिर एयर से, कहीं तीनों मीडियम में से कहीं से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं। अगर मिसाइल कैटेगरी की बात करें, आगे हम लोग चलते हैं, मिसाइल कैटेगरी की बात करें तो मिसाइल दो तरह के होते हैं, एक बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरा क्रूज मिसाइल। आइए, एक क्या हो गया, एक बैलिस्टिक मिसाइल हो गया और एक क्रूज मिसाइल हो गया। तो जैसा हम लोग पिक्चर में देख रहे हैं, एक ब्रह्मोस का नाम है और एक अग्नि का नाम है, तो दोनों क्या है, दोनों डिफरेंट तरह की मिसाइल है, दोनों की कैटेगरीज अलग है। एक क्या है, एक है बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरा है क्रूज मिसाइल। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में अंतर क्या होता है। तो बैलिस्टिक मिसाइल एक में क्या होता है कि बैलिस्टिक मिसाइल में रॉकेट लगे होते हैं जो अर्थ के, जो उस वो रॉकेट क्या करता है कि अर्थ से हाई अल्टीट्यूड पे लेके जाता है और वापस उसको क्या करता है कि उसको छोड़ देता है अपने रिस्पेक्टिव टारगेट को हिट करने के लिए। और ये जो हाई अल्टीट्यूड पे ले जाता है, बैलिस्टिक मिसाइल में जो रॉकेट लगे होते हैं वो इसको क्या करते हैं, हाई अल्टीट्यूड पे ले जाते हैं, जिसकी रफ्तार 15,000 माइल्स पर आवर की रफ्तार के साथ ले जाता है। ये कितने हजार किलोमीटर माइल्स पर आवर की रफ्तार से क्या करता है, लेकर के ऊपर जाता है। क्या बैलिस्टिक मिसाइल में जो रॉकेट लगे होते हैं, ये जो रॉकेट सिस्टम है वो क्या करेगा, ऊपर की ओर ले जाएगा, कहाँ, आउटर सरफेस में, एंड देन वहां से क्या करेगा, प्रोजेक्ट कर देगा, ठीक है, टारगेट के लिए। उसके बाद ये करीब करीब कितने, यहां से छूटने के बाद फिर ये क्या करता है, 2000 माइल पर आवर की रफ्तार से क्या करता है, मूव करता है, ठीक है, अपने टारगेट को हिट करता है। तो सबसे पहले स्पीड की बात करें तो 15,000 माइल पर आवर की रफ्तार से ऊपर गया एटमॉस्फेयर में, बाहरी एटमॉस्फेयर में, अर्थ के बाहरी आउटर स्पेस में गया, कहां पे, अर्थ के बाहरी एटमॉस्फेयर में गया। तो ये मान के चलिए 100 किलोमीटर और ये स्पेस स्टेशन 400 किलोमीटर पे है, इसके भी बाहर ये चला जाता है, ये इसके बाहर भी आउटर स्पेस में चला जाता है और उसके बाद फिर टारगेट को हिट करता है। बैलिस्टिक मिसाइल जब लॉन्च किया जाता है तो एक पैराबोला टाइप का क्या बनाता है, ट्रैजेक्टरी बनाता है। ये क्या कर रहा है, एक ट्रैजेक्टरी बना रहा है और वो कैसा है, पैराबोला टाइप का है, ठीक है। आगे चलते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल का रेंज क्या क्या होता है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि इसमें क्या है कि वार हेड लगा रहता है जहां पे कि हम लोग क्या करते हैं, मिसाइल को पुट करते हैं, ठीक है। तो ये आगे जानते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल का रेंज क्या क्या होता है। तो शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल होती है, मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल होती है और कंटिनेंटल रेंज की भी बैलिस्टिक मिसाइल होती है। तो सबसे पहला जानते हैं कि जो 300 से 1000 किलोमीटर के बीच की जो रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल होती है उसको शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल बोलते हैं। मीडियम वाली की कैपेसिटी 1000 से 3500 किलोमीटर के बीच का हो गया और लॉन्ग रेंज 3500 से 5000 क्या हो गया, लॉन्ग रेंज का। और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा,
5000 प्लस अगर चला गया, 5000 प्लस अगर चला गया तो इंटर कंटिनेंटल मिसाइल 5500 से, सॉरी 5500 से ऊपर चला गया अगर उसका रेंज, तो वो क्या हो गया, इंटर कंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हो गया। ठीक है, तो भारत के पास, भारत के पास कैसा कैसा मिसाइल है, भारत के पास पृथ्वी है, पृथ्वी टू है, अग्नि है, अग्नि टू है और धनुष है। तो ये रही बात, हम लोग क्या करें, हम लोगों ने बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में जाना, अब जानते हैं कि क्रूज मिसाइल होता क्या है। तो देखेंगे क्रूज मिसाइल क्या हो सकता है। तो क्रूज मिसाइल में हम इंडिया के पास एक सबसे पावरफुल क्रूज मिसाइल क्या है, ब्रह्मोस है, जिसको क्या किया इंडिया, रसिया के साथ मिलकर के बनाया है। ठीक है, तो क्रूज मिसाइल जो है लोअर अल्टीट्यूड पे ट्रैवल करता है, लोअर अल्टीट्यूड पे ट्रैवल करेगा, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि ये ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, ये अर्थ के एटमोसफेयर के अंदर ही लोअर अल्टीट्यूड पे ही ट्रैवल करेगा। और इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि ये ड्रोन जैसा वर्क करता है, जो अपने आप कंट्रोल हो सकता है। ड्रोन को क्या कर सकते हैं कि अपने आप कंट्रोल होता है और टारगेट को हिट करके क्रैश कर जाता है। ये क्या करेगा कि ड्रोन जैसा काम करता है और एक बार उड़ता है और अपने टारगेट को हिट करेगा और उसके बाद क्या करेगा, अपने आप को क्रैश कर लेगा। कुछ क्रूज मिसाइल को रिमोट एवं कैमरा की मदद से भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो क्रूज मिसाइल में क्या हुआ कि एक बार टारगेट फिक्स कर लिए तो ये अपने अल्टीट्यूड को चेंज करता हुआ वो जाकर के उसी प्रोजेक्ट को हिट करेगा। ठीक है, मॉडर्न क्रूज मिसाइल में आराम से 1000 माइल्स को भी ट्रैवल करेगा और छोटे से छोटे टारगेट को हिट करने में क्या करता है, सक्षम रहता है। क्रूज मिसाइल जो होता है वह क्या करता है, पृथ्वी के ऊपर 15 से 20 किलोमीटर, इसका जो हाइट है वो कितना हाइट के बीच में ट्रैवल करता है, 15 से 20 किलोमीटर के ही हाइट में क्या करेगा, ट्रैवल करेगा और चलेगा, अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर ही रहता है। क्रूज मिसाइल अपना पाथ खुद से खुद डिटरमाइन करता है, ये अपने पाथ को खुद से खुद डिटरमाइन करता है। जबकि बैलिस्टिक मिसाइल में क्या हो गया कि एक बार आप टारगेट सेट कर दिए तो कर दिए, उसके बाद इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल में एक बार चेंज जो सेट कर दिए उसके बाद उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। क्रूज मिसाइल का जो स्पीड होता है उसको स्पीड के हिसाब से कैटेगराइज करते हैं क्रूज मिसाइल को। इसको जैसे क्या हो गया कि सुपरसोनिक, सबसोनिक और हाइपरसोनिक। तो सुपरसोनिक क्या हो गया, फास्टर देन स्पीड के हाइट, सॉरी साउंड के हाइट से अगर फास्ट मूव कर रहा है तो उसको सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कहेंगे। सबसोनिक अगर साउंड के स्पीड से कम स्पीड में जा रहा है तो उसको सबसोनिक क्रूज मिसाइल कहेंगे। और हाइपरसोनिक उस टाइप के क्रूज मिसाइल को बोलेंगे जो कि क्या कर सकता है, 5 times स्पीड के, साउंड के स्पीड से 5 गुना ज़्यादा, साउंड के स्पीड से 5 गुना ज़्यादा स्पीड में जा रहा है तो उसको हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कहेंगे। तो इंडिया के पास कौन कौन सा है, ब्रह्मोस है क्रूज मिसाइल में, और दूसरा क्या है, निर्भया जो है, 2 क्रूज मिसाइल किसके पास है, इंडिया के पास है अभी। तो ये था आज का टॉपिक, आज का टॉपिक क्या था, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल क्या, हम लोग क्या किए, एक स्टडी किए। और इसी तरह की बेहतरीन जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।